बच्चों, आज हम घर्षण बल के लाभ तथा हानि के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि घर्षण बल को कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, आप शायद सोचेंगे कि घर्षण हानिकारक है, पर ये अनिवार्य भी है। क्या आप बर्फ पर चल सकते हैं? ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्फ की सतह बहुत चिकनी होती है, इस कारण घर्षण बल कम लगता है। तो चलने के लिए घर्षण बल हमारे लिए आवश्यक है। बच्चों, आप समतल श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकते एक चौक के साथ, लेकिन हम श्याम पट के रुक्ष पृष्ठ पर लिख सकते हैं क्योंकि श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट से चिपक जाते हैं और लिखना आसान हो जाता है। घर्षण के कारण कारें सड़क पर चल सकती हैं। कार को अच्छी तरह चलाने के लिए टायर की पकड़ सड़क पर मजबूत होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन कारों की ना तो गति आरंभ की जा सकती, ना ही उन्हें रोका जा सकता और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि घर्षण क्यों आवश्यक है। बर्फीली सड़कों पर फिसलन होती है क्योंकि बर्फ के कण और जल घर्षण कम कर देते हैं। अगर कोई भी बर्फीली सड़कों पर साइकिल चलाने का प्रयत्न करता है तो टायर फिसल सकते हैं तथा दुर्घटना हो सकती है। यदि आपके पास साइकिल है तो आपने टायर पर ब्रेक पैड लगा हुआ देखा होगा। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक पैड साइकिल के पहिए की रिम पर दबाव डालता है जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है और साइकिल रुक जाती है। जब आप माचिस की तीली को माचिस के रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो माचिस की तीली जलाने के लिए आवश्यक है। घर्षण को अक्सर हानिकारक परंतु अनिवार्य कहा गया है क्योंकि ये है तो आवश्यक, पर ये हमारे द्वारा लगाए गए बलों के विपरीत काम करता है। लेकिन बच्चों, कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं, पर कैसे, आइए समझते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपके जूतों की तली खांचेदार होती है क्योंकि खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती रहे। बच्चों, व्यायाम और कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर कोई खुरदरा पदार्थ जैसे चौक पाउडर या मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वो अपनी पकड़ अच्छी बना सकें, क्योंकि बच्चों, मिट्टी पसीने को सोख लेती है तथा अच्छी पकड़ बनाने के लिए घर्षण बढ़ाती है। लेकिन घर्षण सदैव वांछनीय नहीं होता, ये हानिकारक भी होता है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच, जूते के सोल अथवा मशीनों के भाग ही क्यों ना हो। और बच्चों, कई मशीनों के भागों के बीच घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ऊर्जा नष्ट हो जाती है तथा मशीनों के भाग भी घिस जाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है और हम उसे कम करना चाहते हैं, पर कैसे, आइए देखते हैं। व्यापक तौर पर लोग मशीनों के गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करने के लिए ग्रीस, तेल आदि लगाते हैं। इसी कारण इनकी एक पतली परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। एक बात और, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। हम व्यापक तौर पर दरवाजों के कब्जों में स्नेहक के रूप में तेल डालते हैं। ये गतिशील भागों के बीच घर्षण कम करता है और दरवाजा आराम से बंद या खुलने लगता है आवाज किए बिना। बच्चों, कभी सोचा आपने कि हम कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि ये घर्षण कम करता है बोर्ड, स्ट्राइकर तथा गोटियों के बीच में, ताकि स्ट्राइकर और गोटियां आसानी से बोर्ड पर गति कर सकें। आप जानते हैं कि तरल घर्षण या कर्षण बल कैसे कम होते हैं? तरल में गति करने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करके तरल घर्षण कम किया जा सकता है। इसीलिए हवाई जहाज, जेट आदि की विशिष्ट आकृतियां होती हैं मछलियों की तरह, ताकि जब वो हवा में उड़ते हैं तो उन पर कर्षण बल कम लगे। आइए अब संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने सीखा है।
घर्षण हमारी बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। तरल में गति करने वाले वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करके घर्षण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्हें विशिष्ट आकृतियां देकर, जैसे मछलियों की तरह। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।